मेरा नाम काशिफ अली है, मैं यहाँ पर एज ए सीनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। जैसा कि पहले भी आपको मालूम है कि यहाँ पर दिन और रात काम जारी है। ऑलरेडी जो है फाउंडेशन वर्क बहुत सारी बिल्डिंग का ऐसा है अप टू 100% कम्प्लीट हो चुका है। विद इन वन वीक हम बहुत सारी बिल्डिंग्स की छतें कास्ट कर लेंगे। रोड वर्क से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो रोड वर्क में हम वाटर बाउंड तक पहुंच चुके हैं, जो ऑलमोस्ट ये समझा जाता है कि हमने 70% रोड वर्क को अपना टारगेट अचीव कर लिया है। इंशाल्लाह उसके बाद जो हमारा ब्रिज है वो भी ऑलमोस्ट हमने अप टू 70% काम कर लिया है। सिर्फ हमारा रिवर रावी की जो डिवर्जन वर्क है वो बाकी है और इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज कपल ऑफ डेज वो उसकी डिवर्जन करके हम जो एक दो स्पैन हमारे बाकी हैं वो भी हम पाइल फाउंडेशन कम्प्लीट करेंगे इंशाल्लाह। हमें अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि हम अपना प्रोजेक्ट जो है 31 अगस्त तक इंशाल्लाह ज़रूर कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जिसमें जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने टारगेट अचीव कर लें। खासकर हालिया बारिशों की वजह से आपने देखा कि बहुत सारी परेशानी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम एक्स्ट्रा लेबर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाकर हम इन चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपने सिख बिरादरी से किया गया हम अपना अहद पैमान पूरा करेंगे। उनको बर वक्त इस मनसूबे को तकमील करके उनको एक अच्छा तोहफा देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये फन तामीर का एक बेहतरीन और शाहकार मनसूबा होगा जो कि आपको देखने में मिलेगा इंशाल्लाह। मेरा नाम जिशान अली है और मैं डेवलपमेंट ऑफ करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट पे एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट का काम जोरों शोर से जारी है, डेडलाइन मीट करने के लिए बिल्कुल करीब हैं। फाउंडेशन वर्क है वो 95% हम तकरीबन अचीव कर चुके हैं और जो रावी के ऊपर हमारा ब्रिज आ रहा है वो तकरीबन 90% हम उसको भी अचीव कर चुके हैं और डेडलाइन को हम इंशाल्लाह विद इन टाइम हम मीट कर लेंगे। और सेकेंडली हमने जो इस गुरुद्वारे के जो होली प्लेसेस हैं उनको हमने उनके उसी तरह रखा है, उसको हमने कोई तब्दीली नहीं की। जैसे एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि हमने उसको तब्दील किया है, हमने उनको बल एक्सटेंड किया है, उनको और अच्छे तरीके से हमने लोगों के लिए जो इंडिया से ज़ायरीन आएंगे उनके लिए हमने और फैसिलिटेट किया है ताकि वो यहाँ पे आएँ और उनका जो टूर है वो ठीक तरीके से हो सके। गुरु प्यारी साहब संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज तुसी देख रहे हो कि इतने तकरीबन 50% काम इतने मुकम्मल हो चुका है। जो सड़क का काम है दरबार साहब तो 0 लैन तक 4.5 किलोमीटर की रोड है, उस दे विच तकरीबन 1 मीटर का दरिया रावी के उपर पुल है, वह तकरीबन 75% काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जो गुरु घर की एक्सटेंशन है तीनों पासे 12 दरी है, इतने बाथरूम हैं, इतने लंगरखाना है, इतने सरावं हैं, इतने सरोवर है। तकरीबन 50% काम उसका भी जोड़ा कंप्लीट हो चुका है, फाउंडेशन निकल चुकिया ने, उपर लेंटरा से काम पहुँच चुका है। मैनू उस अपने अकाल पुरख वाहिगुरु से गुरु नानक पातशाह से पूरा भरोसा है कि जिस स्पीड के नाल पाकिस्तान सरकार काम कर रही है असी जो वादा किया असी उसते पूरे उतर आवेंगे जी। बड़े प्रोपोगंडे होए और प्रोपोगंडे उन्हां लोगों ने किए जिहड़े कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान ते सिख की सांझ होए, मुसलमान ते सिख की सांझ होए या कोरीडोर बने। उन्होंने बड़ा प्रोपोगंडा किया कि करतारपुर साहब विखे जो इतिहासिक बिल्डिंगा उन्होंने ढाढेरी कर दिया गया है, उन्होंने उत्थे जो सकूल साहब हैं गुरु नानक पातशाह उसनों ढाढेरी कर दिया है। हुण जिहड़ा कि 19 अप्रैल नूं इंडिया तो जिहड़ा जत्था आया सी 2000 बंदे का वह इतने खुद इतने दर्शन करके गए हैं कि करतारपुर साहब की इतिहासिक बिल्डिंग जो है 1920 की जी बनी है महाराजा पटियाला ने वह भी उवें ही खलोती है, बाबा जी के कूब साहब भी उवें ही खलोते हैं। किसी भी इतिहासिक चीज़ को नहीं छेड़िया गया, तो यह नैगेटिव प्रोपोगंडा सी। और जो 12 नवंबर 2019 कोरीडोर खुल जाएगा, जो संगत खुले दर्शन नजारे कर उस टाइम सब कुछ सामने आ जाएगा जी।